हमारे सामने काफ़ी अच्छा सवाल हम देख रहे हैं कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। किसी भी एसिड या बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है, क्या उनके अंदर से कुछ निकलता है, ये हम समझेंगे एक एक्टिविटी की मदद से। एक्टिविटी 2.9 हमारी बुक के पेज नंबर 23 पर ये एक्टिविटी लिखी हुई है, एक नज़र आप इस पर डाल लीजिए। ये वाली एक्टिविटी है 2.9, इसको हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग भी है। और इस एक्टिविटी में आप HCl एसिड बनाना सीखेंगे पहली बार आप एक एसिड बनाना सीख रहे हैं। तो एसिड बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड NaCl लिया जाएगा। सॉलिड NaCl बोल रहा हूँ मैं, ये जो NaCl होता है ये कॉमन सॉल्ट होता है और ये आपको अपने घर में आसानी से मिल जाता है। हम जितना भी खाना खाते हैं किसी भी तरह का हो उसमें नमक हम ज़रूर डालते हैं, तो NaCl आपके घर में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा सॉलिड NaCl लेना है, तो आपने इसके अंदर सॉलिड NaCl डाल रखा है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करेंगे, और ये ध्यान रखने वाली बात है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही सॉलिड NaCl पड़ा हुआ था और ऊपर से हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। एक बात ध्यान रखिएगा ये डाइल्यूटेड नहीं है, कंसंट्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर इस एक्टिविटी को स्कूल की लैब में किया जाता है तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब सॉलिड NaCl के अंदर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि एक गैस निकलना शुरू हो जाएगी, गैस ऊपर की तरफ जाएगी। वो गैस बाहर ना निकल पाए उसको एक सही डायरेक्शन में भेजने के लिए हम इसके ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे और एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से उस गैस को जहाँ भी ले जाना चाहेंगे वहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ से निकलने वाली गैस को एक सही डायरेक्शन में भेजने के लिए हमने एक कॉर्क लगा दी और उसके ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब को लगा दिया है। तो अब गैस जो है ना यहाँ से निकलना शुरू होगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेस्ट ट्यूब में पहले से ही पड़ा हुआ था NaCl और ऊपर से हमने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। दोनों ने आपस में रिएक्शन की और इनकी रिएक्शन से एक गैस बनी जिसका नाम है HCl। आप पहली बार सुन रहे होंगे कि HCl कोई गैस भी होती है, क्योंकि अब तक आपने एसिड की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में उसको सोचा होगा। पहली बार आप मेरे से सुन रहे होंगे कि HCl एक गैस भी होती है और साथ में बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन बुक में नहीं दी गई इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। टेस्ट ट्यूब में पहले से ही सॉलिड NaCl पड़ा हुआ था, ऊपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने से HCl गैस तैयार होगी और साथ में बनेगा सोडियम सल्फेट। और ये रिएक्शन अनबैलेंस है, इसको बैलेंस भी कर देते हैं। दो सोडियम यहाँ पे हैं तो इधर दो लगा देते हैं, क्लोरीन इधर दो हैं इधर एक ही है तो यहाँ पे दो लगा देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं उधर भी दो हैं, बाकी सब बैलेंस दिखाई देता है। SO4 इधर एक है उधर भी एक है, रिएक्शन को लगे हाथों हमने बैलेंस भी कर दिया। फिलहाल यहाँ पर होने वाली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ से निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, HCl गैस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है उसके सामने लेकर आएंगे ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे कि ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके आगे हम एक गार्ड ट्यूब लगा देंगे। गार्ड ट्यूब लगाता हूँ, तो अभी हमने टेस्ट ट्यूब के आगे इस जगह पर गार्ड ट्यूब लगा दी है। गार्ड ट्यूब से होते हुए गैस जब बाहर निकलेगी HCl गैस तो वो पूरी तरह से ड्राई होगी। यहाँ से जो गैस निकल रही है वो HCl गैस है, जब वो गार्ड ट्यूब से पास होकर निकलेगी तो वो पूरी तरह से ड्राई होगी, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। क्योंकि ये जो गार्ड ट्यूब आप देख रहे हैं इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से यहाँ से पास होने वाली जो गैस है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, मतलब उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रह जाएगा। अब हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हैं क्योंकि गैस निकल रही है HCl। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलने वाली गैस के सामने, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि कौन सी गैस निकल रही है, HCl। तो इस निकलने वाली गैस के सामने जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि HCl एक एसिड है और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लेकिन यहाँ से जो गैस निकलेगी HCl गैस, उसके सामने जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से गैस HCl निकल रही है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि HCl एक एसिड होता है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लेकिन यहाँ से जो HCl गैस निकल रही है वो इस ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगी।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, इसको थोड़ा गीला करके लाएंगे, पानी में डुबो कर लाएंगे। तो अब क्या होगा, तो क्या हुआ था कि जब ड्राई लिटमस पेपर लेकर गए थे ब्लू कलर का, तब HCl गैस ने उसका कलर चेंज नहीं किया, लेकिन जब हम उस लिटमस पेपर को गीला करके ले जाते हैं तो HCl गैस ने उसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब एसिड अपना इफ़ेक्ट तभी दिखाएगा जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी। तो ये जो एक्टिविटी 2.9 है, इसने हमें ये समझाया कि एसिड अपना इफ़ेक्ट तभी शो करेगा जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी। अगर वहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ से निकलने वाली गैस भी ड्राई थी क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड लगा रखा था बीच में, तो वो गैस के अंदर के सारे मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा। यहाँ से निकलने वाली गैस भी ड्राई थी, लिटमस पेपर भी ड्राई था, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने लिटमस पेपर को गीला किया तो HCl गैस ने उसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस एक्टिविटी 2.9 से ये प्रूव होता है कि एसिड जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। बिल्कुल इसी तरह से बेस भी अपना इफ़ेक्ट वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। तो यानी कि एसिड और बेस दोनों ही वाटर की प्रेजेंस में अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे, अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे। ये प्रूव होता है एक्टिविटी 2.9 से। तो इस एक्टिविटी से जो कंक्लूज़न हमने निकाला है वो इधर साइड में लिख दिया है कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट एसिड जनरेट एच प्लस आयन एंड बेस जनरेट ओ एच माइनस आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर एच प्लस आयन की वजह से दिखाता है और बेस अपना बेसिक बिहेवियर ओ एच माइनस आयन की वजह से दिखाता है। ये अभी हमने पिछली एक्टिविटी में समझा था कि एसिड के एसिड होने के लिए एच प्लस आयन ज़रूरी होता है और बेस के बेस होने के लिए ओ एच माइनस आयन ज़रूरी होता है। लेकिन ये दोनों आयन तभी रिलीज होंगे जब वहां पर वाटर की प्रेजेंस होगी। बिना वाटर की प्रेजेंस के एसिड एसिड नहीं रहेगा और बेस बेस नहीं रहेगा। तो आपने आजकल ये भी देखा होगा कि अगर आप थोड़े से अवेयर रहते हैं तो दुकान पर इस तरह के पाउडर मिलते हैं जिनको आप पानी में मिला दें तो पानी में मिलाने के बाद वो एसिड बन जाते हैं। इस तरह के पाउडर को खासतौर से जैसे सिंक में नालियां जाम हो जाती हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई पाउडर मिलते हैं तो पानी में मिलाते ही वो एसिड बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.9 को करने के बाद हमें क्लियर हुआ कि एसिड और बेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन में अपने अपने आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं या फिर अपने अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।